वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हमारे साथ एक और झांकी निकली है जिनका आप गेटअप या फिर लुक देख सकते हैं, काफी मनमोहक है। तो हम इनके पास रुक गए पूछने के लिए, जी ये क्या है, पहले अपने बारे में बताइए। हम श्री शंभु के अघोरी भक्त हैं और इस अयोध्या नगरी के पावन पर्व दीप उत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में ये दीप उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे पुष्पेंद्र भाई हैं, इन्हीं के ही माध्यम से हम लोग यहाँ पे हैं। इनका बहुरूपिया ग्रुप है। अब आप आगे की बात इनसे कीजिए। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग तैयार हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से इनका लुक है, क्या बनाया गया, क्या तैयारी करी गई थी? ये बहुरूपिया टीम है जी। और बहुरूपिया में बहुत से रूप के, देखिए राधा कृष्ण भी हैं और अघोरी किस तरीके से आप देख ही रहे हैं, हनुमान जी महाराज भी पीछे हैं और शंकर भगवान जी हैं। ये बहुरूपिया टीम है, इसमें सभी प्रकार के लोग जो है आपको मिलेंगे, मतलब सभी प्रकार के मिलेंगे। जो तैयारी देख रही है सारे यहीं के रहने वाले जी, जी, सब अयोध्या के जी। रहने वाले। इनकी जो तैयारी, इन पे जो खर्च आता है वो क्या सरकार की तरफ से आता है या ये हम लोग संस्कृति विभाग के द्वारा हम लोग लगाए गए? अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग। अघोरी बाबा, अगर मैं थोड़ा सा योगी पे आपसे लूट टिप्पणी, तो आप योगी पर क्या बोलेंगे, योगी बाबा पर? योगी ने इस अयोध्या नगरी को एकदम बदल के रख दिया है। जी बिल्कुल, हर जगह आप देखेंगे तो राम नाम राम नाम राम नाम जब रहा था दर्था। और यहाँ की आप दीवारों से लेके आप गलियों में चौबारों किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, हर जगह पे सिर्फ राम 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 ही दिखता है। तो योगी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चाहेंगे कि जितने भी ये ग्रामवासी, जितने भी अयोध्यावासी हैं, योगी जी का सपोर्ट करें और योगी जी के इस काम को और सहायता के साथ हर्षोल्लास के साथ ये दीप उत्सव मनाएं। जय श्री राम। जब तक योगी बाबा आए थे उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था अयोध्या? ऐसा कुछ नहीं था, जब योगी जी आए हैं तब से अयोध्या नगरी को बदल के रख दिया है। इससे पहले बहुत से शासक लोग आए, बहुत से प्रशासन आए, लेकिन अयोध्या में कोई बदलाव नहीं आया जैसे कि अभी बदलाव योगी जी के आने से हुआ है। ऐसा बदलाव काफ़ी सालों से, 100 सालों से यहाँ अयोध्या के लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे ऐसे माहौल का, ऐसे पर्व का, जो योगी जी ने लाके ऐसे माहौल को खड़ा कर दिया है। योगी बाबा का सब देन है ये, जो आज इतने हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में ये पर्व मनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी की देन है। हम चाहेंगे जितने भी भारतवासी हैं सब योगी जी का सपोर्ट करें। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बारी करके दिखा लें, जो आप अभी स्टार्टिंग में कर रहे थे हमारे कैमरे पे दिखा दीजिए, माथे वाथे वो निकाल कर। जी, जिस तरीके से आप इनका लुक देख सकते हैं, पूरी अघोरी लग रहे हैं यहाँ पर, उसने कुछ दो रहा है। हमारे पीछे भी लोग हैं यहाँ पर, आप इनके हाथों में देखिए, इनसे पूछते हैं क्या तैयारी है यहाँ पर आपकी। ठीक है, इन्होंने बताया कि काफी मेहनत करते हैं हम इसके लिए। क्या मेहनत चल रही है? अरे हम लोग अपनी झांकी दिखाएंगे। आपने जो हाथ में लिया इसके बारे में बताइए, क्या है कैमरे पे दिखाकर? ये झंडार है। झंडार है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि हम मौलो जी के साथ रहते हैं तो मौलो जी पार्टी के साथ चलना पड़ता है, हम लोग का अपना भाई वाला रूप दिखाना पड़ता है। देखा जिस तरीके से अलग अलग तैयारियां यहाँ पर लगी हुई है, चारों तरफ झांकियां निकली हुई हैं। यहाँ पर अघोरी बाबा भी थे, योगी बाबा के बारे में बताया कि योगी बाबा आए हैं तभी अयोध्या की तस्वीर बदली है। ऐसे तमाम झांकियां निकली हैं, हम आपको एक एक झांकियां से रूबरू कराते रहेंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।